तरफ देश और प्रदेश की सरकारें गौवंश को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं और ग्राम पंचायतों में भी गौशालाओं का निर्माण करवाकर गौवंश संवर्धन में लगातार प्रयास कर रही हैं। दूसरी ओर वहीं ग्राम पंचायतों में पदस्थ कर्मचारी गौवंश के लिए काल बने हुए हैं। मामला मचगवा जनपद पंचायत के हिरौंदी का है, जहां ग्राम पंचायत के अंतर्गत संचालित गौशाला सरपंच सचिव की लूट कसोट के चलते गौवंश के लिए नर्क साबित हो चली है और भूख प्यास से व्याकुल होकर लगभग 15 से ज्यादा गौवंश मौत के मुंह में समा गए हैं। जानकारी मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौवंश की मौतों की जांच करते हुए ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो वो आंदोलन भी कर सकते हैं। बाद में थाना प्रभारी मचगवा की अगुवाई में पशु चिकित्सक ने हिरौंदी गौशाला पहुंचकर जांच करते हुए इस बात की पुष्टि की कि गौवंश की मौत भूख और प्यास से ही हुई है। हिरौंदी में चलने वाली गौशाला विभागीय लापरवाही, वहाँ के व्यक्तिगत लापरवाही जो वहाँ प्रबंधन समिति काम करती है, इस लापरवाही की वजह से वहाँ से 15 से 20 गौवंशों की मृत्यु हो गई, जिससे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आक्रोशित हो रहा है। इसके तहत ज्ञापन पुलिस को भी दे रहे हैं, पुलिस अधीक्षक के नाम SDM साहब को भी देंगे, तहसीलदार साहब को भी देंगे और सभी से आशा ये करेंगे कि जल्द से जल्द हालात को सुधारा जाए, वरना बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करेगा। इसकी सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर होगी और राजस्व प्रशासन पर होगी। स्वयं सहायता समूह वहाँ पर प्रबंधन कर रहा है, जो सचिव और सरपंच की जिम्मेदारी में है और इसी उन्हीं लोगों को इनकी सारी व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर ना पानी की व्यवस्था है ना ही भोजन की व्यवस्था है, जिससे उनके शरीर को देखकर ही, गौवंशों के शरीर को देखकर ही लग रहा है कि ये भूख और प्यास से तड़प रही हैं और इसी से उनकी मृत्यु हो रही है। ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव ने इस घटना से इनकार किया है, लेकिन सचिव इस बात का कोई जवाब नहीं दे सके कि गौशाला के पीछे इतने गौवंश के कंकाल कैसे पड़े हैं और कहां से आए हैं। मामले की जांच अभी जारी है। MP भारत के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।